कुछ दिनों तक बेली रोड पर स्थित राजा बाजार के अखाजपुरा को कंटेनमेंट जोन में डाला गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसके यातायात पूरी तरह से बैन थी। इस पटना के एकमात्र एक ऐसा ये जगह खाजपुरा है जहां से कोरोना के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिले थे। पटना, राजधानी पटना में इस जगह से सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसके कारण डीएम के आदेशानुसार इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। चारों तरफ के इसके एंट्रेंस को बैन कर दिया गया था और इस एरिया को कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया गया था। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जगह को, पटना के खाजपुरा इलाके के जहां से सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे, इस जगह को कंटेनमेंट जोन से खुद पटना के जिलाधिकारी यहां पर आए थे अभी थोड़ी देर पहले और इस एरिया को कंटेनमेंट जोन से निकाल दिया गया है और अब यातायात पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है। यहाँ की इस पूरे एरिए की निगरानी जिस मजिस्ट्रेट के अंदर में थी, हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नए नियम क्या आए हैं, इस एरिया को कंटेनमेंट जोन से क्यों हटाया गया है और अब इस तमाम इलाके में किस तरह के रूल्स को लोगों को फॉलोअप उस पर करना पड़ेगा। अपडेट लेते हैं मजिस्ट्रेट से। सर, इस एरिया को कंटेनमेंट जोन से हटा दिया गया है। सही बात है, डीएम खुद आए थे। क्या कुछ नए निर्देश प्राप्त हुए? सिर्फ यातायात के लिए है, बाकी जैसे पूर्वत जो नियम बना था, जो प्रतिबंध लगा था, वो कायम रहेगा। हाँ, आपको दुकान सब बंद रहेंगी, केवल एसेंशियल शॉप, दवा दुकान और राशन, ये सब आपके खुले रहेंगे। बस राशन, यातायात और ये सब दुकान खुले रहेंगे? यातायात नहीं, राशन और मेडिकल दुकान। अच्छा। हाँ, जो इसेंशियल चीज है, ज्यादा जरूरी, वो खुले रहेंगे। कुछ टाइम बाउंडिंग भी है कि इतना बजे से इतना बजे तक ये खुली रहेंगे? ऐसा तो कुछ हम लोग को निर्देश अभी नहीं है। दोनों तरफ जिस तरह से यहाँ? नहीं, दोनों तरफ नहीं, मंदिर के तरफ सभी दुकान सील रहेंगे। अच्छा, केवल मंदिर के सामने वो केवल वहाँ इसेंशियल दुकान खुलेंगे। तो खास बात सर ने हमें बताया कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, जिस तरफ ये मोहल्ला काफी पड़ता है, मंदिर है, शिव मंदिर यहाँ पर खाजपुरा का ये एरिया है, इस तरफ की तमाम दुकानें अब भी बंद रहेंगी और राइट साइड की एसेंशियल सर्विसेज में जो दुकानें आती हैं, एसेंशियल जरूरी चीज़ों का, जैसे कि मेडिकल शॉप्स हो गए, किराना दुकान हो गए, वो सब खुले रहेंगे। तो सर, क्या कोई इसमें, जैसे कि पहले इस एरिया में काफ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, डीएम के द्वारा इस एरिया को कोरोना से पॉजिटिव जिस तरह से इलाका था कंटेनमेंट जोन साबित कर दिया, अचानक से इसको हटा दिया गया है? देखिए, वहाँ से अब कोई केस बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो इस चलते अब डीएम साहब आदेश की मतलब ठीक किए होंगे कुछ की सोच के, अब इस पर कंटेनमेंट जोन से हटा दिया जाए इसलिए। यातायात भी बेली रोड की इस जगह से अगर हम बात कर ले, दीघा आसियाना मोड़ से, रिपब्लिकन न्यूज़ ने पहले भी आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई है, दीघा आसियाना मोड़ से लेकर ये जगदेव पथ तक इस पूरे जगह को, इस पूरे एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। अगर आप बेली रोड पर सफ़र कर रहे होते थे तो आपको इस ब्रिज के ऊपर से ही गुजरना होता था, नीचे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया था, सील कर दिया गया था और मजिस्ट्रेट और तमाम पुलिसकर्मी की तैनाती भी कर दी गई थी। लेकिन आज पटना के डीएम कुमार रवि के द्वारा इस एरिया को कंटेनमेंट जोन से निकाला गया, लेकिन शर्तें अब भी वही बनी हुई है, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा और लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा जो जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है। लेकिन इस रोड पर खास बात यह है कि आप दाहिने तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ यहाँ का कमर्शियल एरिया है, काफ़ी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट, और इसी रोड पर पटना के तमाम वो मशहूर हॉस्पिटल्स भी पड़ते हैं, तो इस वजह से भी शायद यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया है। तो कमर्शियल एरिया इस सड़क के दोनों तरफ है और इस तरफ जो भी दुकानें हैं उसमें एसेंशियल सर्विसेज में जो भी आते हैं, मेडिकल शॉप्स, किराना दुकान, उन्हीं को सिर्फ एक समय के तहत, एक बॉन्डिंग के तहत और नियम शर्तों के तहत उसे खोला जाएगा। और हमारे बाईं तरफ की जो आप कमर्शियल एरियाज देख रहे हैं, यहाँ पे भी दुकानें काफ़ी हैं और इसको भी पटना के जिलाधिकारी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी रूल्स हैं, उसको फॉलोअप करते हुए इस एरिया को खोला जाएगा। इस तरफ शिव मंदिर मिला है और हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि इस खाजपुरा ही एक ऐसा पटना का इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो फिलहाल अब आप बेली रोड पर सफ़र करेंगे तो नीचे से भी अब आप जा सकते हैं, बैरिकेड को खुद पटना के डीएम कुमार रवि और पटना के सीनियर एसपी यहां पर मौजूद थे, थोड़ी देर पहले आए थे और उनके निर्देशानुसार इस जगह को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाला गया। तो अब पटना में टोटल 18 कंटेनमेंट जोन बने थे, जिसमें दीघा के जमाखारी मोहल्ला एक नया जुड़ा है, टोटल 18 हुए थे, लेकिन अब इस एरिया को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब
हो गया है टोटल कंटेनमेंट की संख्या 17। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात कर ले तो पूरे प्रदेश में 1400 से पार चली गई है कोरोना के मरीज, और अभी तक के जो नए अपडेट्स है वो 19 नए मरीज कोरोना के पूरे प्रदेश में, नए पॉजिटिव मरीज 19 जगह जगह से पाए गए। तो तमाम अपडेट्स रिपब्लिकन न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। पटना से मैं तनुज मासूम, सहयोगी शुभम कुमार के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।